Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So this is the first video of year 2021 and I hope ki ye saal sabhi ke liye acha ho. To video start karne se pehle ek channel update hai jo mujhe aap logon ke sath share karna hai. To update ye hai ki hamara channel jo hai wo monetize ho gaya hai and I want to say thank you to all of you for your love and support and I hope कि आप आगे भी इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सैमसंग डिवाइसेस में बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि बूट लोडर क्या होता है एंड बूट लोडर अनलॉक क्यों करते हैं, क्या होता है इससे। तो बूट लोडर बेसिकली एक कोड है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपके डिवाइस पर लोड करता है और ये सेम प्रोसेस होता है आपके लैपटॉप पर और आपके कंप्यूटर्स पर। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद हम अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं, कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली बूट लोडर अनलॉक करने के बाद हम अपने डिवाइस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज हम सैमसंग डिवाइसेस में बूट लोडर अनलॉक कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं एंड मैं यूज कर रहा हूँ सैमसंग का गैलेक्सी M20 इस वीडियो के लिए। सो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बूट लोडर अनलॉक के पहले आपको करना है वो है आपके डिवाइस का बैकअप लेना। बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बूट लोडर अनलॉक होने के बाद आपका डिवाइस रीसेट हो जाता है तो सारे डेटा आपके डिलीट हो जाते हैं। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए पहले हमें डेवलपर मोड को ऑन कर लेना होगा। उसके लिए हमें सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट सेटिंग्स में आपको अबाउट फोन में चले जाना है एंड वहां पर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर लेना होगा। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आने के बाद आपको वहां बिल्ड नंबर पर कंटिन्यूसली क्लिक करते रहना होगा। सो डेवलपर मोड ऑन होने के बाद आपको फिर से मेन सेटिंग्स पर जाना है एंड नीचे डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट डेवलपर ऑप्शंस में हमें OEM अनलॉकिंग को एनेबल कर लेना है एंड जैसे ही आप उस ऑप्शन को एनेबल करते हो वैसे ही आपको मैसेज आता है आपका फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, मींस पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। सो इसलिए हमें प्रोसेस के स्टार्टिंग में ही हमें अपने सब डेटा का बैकअप ले लेना है। सो नेक्स्ट ओके पर क्लिक करने के बाद हमें डिलीट ऑल पर क्लिक कर लेना है, देन आपका फोन रिस्टार्ट होगा एंड दैट्स ऑल, आपको सिर्फ इतना ही करना है। फ्रेंड्स, सैमसंग डिवाइसेस में आप बहुत ही आसानी से बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि बूट लोडर अनलॉक हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स, आप डेवलपर ऑप्शंस में देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है कि बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक। सो इसका मतलब है कि हमारा बूट लोडर अनलॉक हो गया सक्सेसफुली। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज नीचे कमेंट में बता देना। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू अप्रिशिएट माय वर्क प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।